मना क्या करे बंदा आज के बच्चों को यार। नो नो, ढक्कन हटा लिया हमने। माशाल्लाह गोश्त मतलब आलू प्लस बीफ दोनों रेडी हो गए हैं अच्छे से। हमने खाना है इन खुब्जों के साथ। ये खुब्ज हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पहला पहला रोज़ा, पहली पहली सहरी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हम कर रहे हैं भाई सहरी की तैयारी। पाकिस्तान में तो आई थिंक सो सहरी जो है इस टाइम तक हो भी गई होगी, नहीं हो रही गई होगी, शायद चल रही होगी, तैयारी चल रही होगी। मैंने क्योंकि बनाना था आलू बीफ, सो मैं ज़रा टाइम से शुरू हो रही हूँ। और मैं सालन जो है ना वो सहरी के टाइम में बनाती हूँ, रात को नहीं बनाती, सो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल रूटीन से सहरी में। और रोटी जो है वो हम बाहर से लेके आते हैं। अभी मोहम्मद आदम का ज़रा मूड ख़राब था, उसको बड़ी मुश्किलों से जो है ना आरे शारे लगाया है, और फिर कहीं जाके हमें काम करने का जो है ना वो मौका मिला है। मुश्किलों से हमें आरे लगाया है, जिद करे थे मोहम्मद आदम, नो ये खाते नहीं है जाने, कान साफ करते हैं इच्छे, नो नो तो डाल नो, हाँ बस ये आप डालो इसको ठीक है। अलो साथ ही गुस्सा आ जाता है एक, मना क्या करे बंदा आज के बच्चों को यार। नो नो, ना पकाने से पहले थोड़े से नमक और सिरके वाले हल बिल्कुल थोड़े से उसमें डुबो देती हूँ, एक तो सारा ये ब्लड वगैरह निकल जाता है तो उसकी स्मेल भी बहुत हद तक कम हो जाती है। अभी थोड़ी देर इसमें भीग जाए उतनी देर हम प्याज वगैरह काट लेते हैं। हम लड़ाई लड़ुई के बाद फिर मोहम्मद आदम, तो बंदे को बच्चे के साथ खुद बच्चा बनना पड़ता है, फिर कहीं जाके जो है ना मुझे लगता है बच्चे संभलते हैं। लग रहा है चलो अभी सो जाए ये। हम अपने प्याज की शुरुआत करने लगे हैं, मसाले के लिए प्याज के काटने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। आप सब लोगों ने सहरी में क्या क्या बनाया आज और क्या क्या अफ्तारी की प्लानिंग है? खैर अफ्तारी की प्लानिंग तो अभी बहुत ही एडवांस हो जाएगी, ये बताएं कि सहरी में क्या बनाया, क्योंकि आई थिंक सो पाकिस्तान वालों की तो ऑलमोस्ट हो ही गई होगी सहरी इस टाइम तक। हम लोगों के 2 बज के मेरे ख्याल 2:15 हो चुके हैं और पाकिस्तान में 4:15 हो रही होगी शायद अभी तक, नो आइडिया। सालन की शुरुआत हो गई है, अभी भूना जा रहा है और मोहम्मद साहब अपनी नानों से बात कर रहे हैं, साथ साथ पता नहीं कौन सी तरतीबें लगा रहे हैं। आलो भाई इसको तो हमने दे दिया है प्रेशर पे, ये तब तक गले, तब तक हम जाना ज़रा लाउंज की शक्ल सुधार लें, बिल्कुल ही बैठने के काबिल भी नहीं रह गया मिट्टू ने, वो कबाड़ा मचाया हुआ है। झाड़ू छोड़ मैंने दे लिया और वो मेरा कॉर्नर जो मैंने सेट किया था वो वापस का वापस अपनी शक्ल पे पहुंच गया है। ऐसे लगता है जैसे मैं उसको सेट ही नहीं करती, हालांकि मैं सेट करती हूँ, मैंने सारे अंदर डाले थे और वो निकाल निकाल के फिर सारे सजा रहा है। चलो लगा रहे, कम अज़ कम बिजी तो है ना। यहाँ पर अपना जो कारनामा कर गया है वो कर गया, वो अभी चला था काम से मेटने के लिए पड़ा। तकरीबन 10-12 मिनट हो गए, मैंने भी चूल्हा बंद कर दिया है, सीटी करा के देखते हैं चेक करते हैं, क्योंकि हमने उसके बाद आलू डाल के भी थोड़ा सा दम देना है। आलू में भून के निकाल लेती होती हूँ, चेक कर ली अभी इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हुई तो मैंने दोबारा दम दे दी, क्योंकि आलू तो इतना लेते ही नहीं है, एक तो पहले भुने हुए भी होते हैं और कुकर में तो वैसे मिनट लगते हैं आलू होते हुए। तब तक ये थोड़े से बर्तन धो रही हूँ मैं, कि मैंने दे दिया था प्रेशर और अभी मैंने तकरीबन 5-7 मिनट बाद हटा दिया। मोहम्मद आदम को तो अच्छा मैंने आरे लगा दिए, चने गिर गए थे वाइट, अभी इकट्ठा कर रहा है उनको, इकट्ठे कर करके वो छोटी सी प्लेटी में डाल रहा है अपना। मोहम्मद आदम क्या कर रहे हैं आप? ढक्कन हटा लिया हमने। माशाल्लाह गोश्त मतलब आलू प्लस बीफ दोनों रेडी हो गए हैं अच्छे से। चलें भाई अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, लेट नहीं हुआ, मुझे डर था ये ना हो मैं लेट ही हो जाऊँ। अभी इसको धनिया मसाला छिड़क के दम दे देते हैं।
दम नहीं आई मीन बस थोड़ी देर के लिए। मेरा धनिया बेचारा ना बड़ा बड़ा सूख ही गया धो के रखा हुआ। यहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं, शायद हवा खुश्क है। हमने खाना है इन खुब्जों के साथ, ये खुब्ज हैं, वैसे इनको अफगानी नान भी कह लेते हैं कुछ लोग। खुब्ज जो होते हैं ना बेसिकली वो गोल होते हैं, और ये जो अफगानी नान है ना ये इस शेप के ज़रा लंबे लंबे होते हैं इस तरह। को अब हम लगाने लगे हैं घी लगा बना के, समझे कर लें कि पराठे बना लेंगे इनके। हम थोड़ा सा पानी लगाया और अभी इनको हल्का सा घी लगाएंगे। मेरा घी जो है ना वो इतना क्या गीला नहीं हुआ, निकल ही नहीं रहा। ये समझे वही वाला तरीका जो पाकिस्तान में नानों के साथ करते हैं नानों नहीं है नान्स के साथ करते हैं ना, वही तरीका मैं यहाँ पर खुब्जों के साथ कर रही हूँ टू मेक दम पराठाज एंड क्रिस्पीज। हमारी पहली सैलरी का सालन, खुबज, सैलीड, प्याज भी है और लस्सी, आल पानी सब रेडी शेडी हो गया। वी आर ऑन टाइम। ये बेचारे खुबज क्यों सुफरे से परे रख दिए हैं? पहली सारी डन 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 हो गई, अभी गुड नाइट होने लगी है हमारी भी, है ना मामा दादा? गुड नाइट। 8 hours later। वेलकम बैक इन द व्लॉग, गुड मॉर्निंग। ऑलमोस्ट 2:15 हो चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो उठ जाते हैं, उठ के फटाफट अपना थोड़ा सफाई वाला काम कर लेते हैं, मशीन में कपड़े छपड़े डालते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर इफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो आज आइडिया नहीं हो रहा था कि तकरीबन कितने बजे काम शुरू करूँगी तो पूरा हो जाएगा, सो मैंने सोचा थोड़ा सा पहले ही उठ जाना बेहतर है बजाय इसके कि बाद में बंदा भागता फिरे कि ओहो ये रह गया ये रह गया। चलो देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि मोहम्मद आजम भी अभी सो ही रहा है। सफाई नामा शुरू होते हुए If you are liking my videos, you can subscribe, and if not, you can pass on. Liking is done, और अभी बारी है हमारी डस्टिंग की, लगातार वही हम करी जा रहे हैं, फटाफट। Hey guys, we completed our सफाई और अभी जो है हम जरा अपना भी नहाना धोना कर लें, क्योंकि सफाई कर ली है तो फ्रेश फीलिंग नहीं आ रही बिल्कुल भी। उसके बाद इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।